डलहौजी चंबा मार्ग पर पुलिस ने एक बुलेरो जीप से भारी मात्रा में शराब बरामद की। आपको बता दें कि यह जीप सुनूनी की तरफ जा रही थी, लेकिन नाके पर जांच होती देखकर आरोपियों ने गाड़ी छोड़कर भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। डलहौजी पुलिस ने अवैध शराब के प्रति नाके लगाने की मुहिम छेड़ दी है। थाना प्रभारी भूपिंदर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि डलहौजी चंबा मार्ग पर गोली नामक स्थान के पास नाकाबंदी कर पुलिस ने एक बुलेरो जीप से 900 बोतल शराब बरामद की। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और भविष्य में भी यह मुहिम इसी तरह चालू रहेगी। केस एफआईआर नंबर हमारी जो पिछले कल हमारी पुलिस जो पानीखेत पुलिस जो नाका पर थी, तो आज सुबह 4:15 गोली चौक के पास उनको एक बुलेरो पिकअप जिसका नंबर HP 7326 है, वो सलूनी की तरफ जा रही थी। जब उसको चेकिंग के लिए रोका तो ड्राइवर जो है उसका वो गाड़ी छोड़ के एकदम भागा, जिसको कि फिर मुलाजमों ने जो है वो दबोच लिया। और फिर उनसे जब दरियाफत की तो वो दोनों सलूनी के रहने वाले थे। उन्होंने बताया गाड़ी को जब चेक किया तो उसके अंदर गत्ते की पेटियाँ थी। जब गत्ते की पेटियों को चेक किया तो प्रत्येक पेटी में 12-12 बोतल जो थी वो शराब की थी, और कुल मिलाकर हमने 75 पेटियां जो है वो शराब की पकड़ी हैं। ये जो हमने 75 पेटी शराब की पकड़ी हैं, इसमें प्रदेक में 12 है, तो टोटल हमारी 900 बोतल हो गई। और 900 बोतल में हमने टोटल कुल जब 675,000 ml शराब जो है वो बरामद की है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है डलहौजी पुलिस की। जांच के दौरान डलहौजी पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी में देसी शराब की 900 बोतल बरामद की। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी डलहौजी और आसपास के क्षेत्र में पुलिस अवैध शराब की खेप पकड़ चुकी है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।